हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगी और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे पैनल लेयर्स का, और इसको ओपन करने के लिए आपको जाना है विंडो में, और यहाँ से आपको लेयर्स मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट है F7। अगर आपका पैनल ओपन नहीं है तो आप F7 प्रेस कर सकते हैं और ये लेयर ओपन हो जाएगी। तो जब आप कोई भी इमेज ओपन कर रहे हो तो ये डिफॉल्ट बैकग्राउंड में ऐसे लॉक आता है। और सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस किया है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, और मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको हमने ये ओपन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने इसे न्यू डॉक्यूमेंट लिया तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट लॉक आया। अब मैं इसको अगर मूव करूँ तो आपको एक पॉपअप नजर आएगा और उसमें आपको ये बोल रहा होगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देगा और अब आप इसको मूव कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने ये इमेज ओपन की और मुझे ये लॉक मिला। आप लॉक ओपन करने के लिए इस लेयर पे डबल क्लिक करें और इस तरीके का एक ऑप्शन ओपन होगा और आप यहाँ से ओके कर दें तो ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस नेम के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसका नाम एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसको रीनेम कर देंगे आप। और अगर आपको इस लेयर को ऑफ करनी है तो यहाँ पे एक आई का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नीचे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक ही लेयर है तो इसलिए ये डिलीट हाईलाइट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको एक और लेयर लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से जिस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिलीट करने के लिए, आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा डिलीट करना है या नहीं, तो आप यहाँ से यस करेंगे और वो लेयर डिलीट हो जाएगी। और आप अगर चाहें तो डिलीट का बटन प्रेस करके भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर। इससे क्या होता है कि आप जितनी बार प्रेस करेंगे ये न्यू लेयर आती जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद जो ऑप्शन है उसके साइड में वो है हमारा क्रिएट अ न्यू ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, पहले उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेती हूँ यहाँ से, और हर लेयर पे मैं कुछ ना कुछ डिजाइन कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे तो अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग लेयर पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया है। अब इस लेयर से आपको क्या करना है, आप जितनी लेयर सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा, और लेयर सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये क्या करेगा, उसको ग्रुप कर देगा। और ग्रुप को भी आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी नाम दे दीजिए और ये उसको क्या करेगा, ग्रुप कर देगा। और इसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये लेयर रह जाए और बस ग्रुप डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा अनग्रुप लेयर्स, तो इस पर क्लिक कर दे और ये अनग्रुप हो जाएगी। और ग्रुप करने के लिए आप यहाँ पे लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितने भी आइटम्स को यहाँ पे लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीजें ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से अनग्रुप कर रही हूँ। और अगर आपको लेयर्स पे कॉपी करनी है चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल क्रिएट किए हुए हैं इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे ये सर्कल क्रिएट किया हुआ है, आपको ये चारों के चारों लेयर्स का एक बार में कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
चारों को पहले इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, बस आपको ड्रैग करना है और यहाँ लाके छोड़ देना है। तो ये क्या करेगा कि सारी लेयर को कॉपी कर देगा। और कॉपी करने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं कि आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से ये सेम प्लेस पे ही कॉपी हो जाएगा, बस आपको ड्रैग करके साइड में लेकर आ रहा है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप कॉपी भी कर सकते हैं। एंड यहाँ के जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके लिए अब हम यहाँ पे लेयर्स के ये वाले ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लॉक वाले ऑप्शन चेक करेंगे, जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो ये क्या करता है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और इमेज ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की हुई है। अगर आपको कोई इमेज ओपन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ओ प्रेस करना है। तो इस तरीके से एक पैनल ओपन होगा और यहाँ से आप इमेज को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और चाहे तो फाइल में जाके और यहाँ पे क्लिक कर दे ओपन, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और अगर आपको किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई फाइल या कोई इमेज लेके जानी है तो उसको आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। आपको बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक यहाँ पे ना आ जाए आप, और इस तरीके से छोड़ दें तो ये इमेज यहाँ आ जाएगी। मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके इस फाइल के ऊपर लेकर आई और फिर यहाँ पे लेकर आ गए, और यहाँ पे लाते ही बस मैंने यहाँ क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। और एक और ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको कॉपी कर ले और यहाँ आके पेस्ट कर ले, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आते ही कंट्रोल वी प्रेस करें और ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से। और अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, ये इमेज इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। आप इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जैसे ही आप कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो रोटेट का आइकन आएगा, इस तरीके से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज ओपन कर दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन था लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी तो ये क्या करेगा, इस लेयर को लॉक तो कर देगा बट स्टिल हमारी इमेज मूव हो रही है इधर उधर, आप देख सकते हैं ये मूव हो रही है। और चाहे तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म भी होगी। और अगर आप इस पर वर्क करना चाहें तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्रश टूल ले लिया है और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे ब्रश करूंगी तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, बैकग्राउंड के पिक्सल्स को लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ब्रश फेर रही हूँ, ये पेंट नहीं कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे ब्रश इस तरीके से चलाऊं तो ये क्या करेगा, इसको पेंट कर देगा, सिर्फ इतने ही पार्ट को ये पेंट कर देगा क्योंकि इसने आउटर वाले पार्ट को लॉक कर दिया है। और अगर आपको इसमें पूरे में कलर फिल करना है तो उसके लिए आप ऑल्ट बैकस्पेस क्लिक करें और ये बैकग्राउंड पे पूरा कलर फिल हो जाएगा। तो मैं इसको अंडू कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको हम अनचेक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है लॉक इमेज पिक्सल्स। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इसमें भी हमारा इमेज को मूव करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पेंट करके देखते हैं कि ये पेंट होता है या नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो पेंट करने के लिए आपको यहाँ से लेयर अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसमें बस आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आपका कोई भी टूल इनमें से सेलेक्ट है और फिर आप मूव करना चाहे तो मूव नहीं होगा। मूव करने के लिए आपको यहाँ से हमेशा मूव टूल पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप इमेज को मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉक पोजीशन। तो मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से, और लॉक में क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, पोजीशन को मूव नहीं करने दे रहा। अभी ये हमारी लेयर, इसको हम ये ऊपर वाली लेयर पे वर्क कर रहे हैं, इसको हमने लॉक किया है। तो इसमें क्या करेगा, इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, उस लेयर को लॉक कर दिया। अब ये पोजीशन मूव नहीं हो रही है इसकी। तो अगर हम इस पर पेंट करना चाहें तो हम इस पर पेंट कर सकते हैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे। इस लेयर पे ये कुछ भी नहीं करने दे रहा है क्योंकि इसने इसको क्या किया, लॉक कर दिया है। तो मैंने यहाँ से अंडू कर दिया इनको। नेक्स्ट हमारा ये वाला ऑप्शन है
प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ हार्डवुड एंड फ्रेम्स। तो ये क्या करता है, ये हार्डवुड पे ही वर्क करता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्योंकि हमने अभी यहाँ पे हार्डवुड नहीं लिया हुआ है, तो इसके लिए मैं इसको अनचेक करी। और लास्ट हमारा है लॉक ऑल। तो ये क्या करता है, मैंने यहाँ से लॉक कर दिया इसको भी, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसने क्या किया, पूरी लेयर्स को, पूरी इमेज को ही लॉक कर दिया, ना इस पे पेंट यूज होगा और ना ही ये मूव होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो डिजाइन से आप मूव नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। और एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि फोटोशॉप में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं ऑटो सेलेक्टेड, तो आपको क्या करना है, ये ऑन रखना है। अगर आप ये ऑन नहीं रखते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर आप इस लेयर को ऑन नहीं करते, और मैं मल्टीपल लेयर बना लेती हूँ यहाँ पे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लेयर कर दिया, यहाँ पे डॉट बना दिया और एक ये लेयर है हमारी, और मैंने यहाँ से ऑटो सेलेक्ट ऑफ रखा है। अब मैं लेयर को मूव कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं मैंने ब्लू वाली लेयर सेलेक्ट की है, और मैं अगर यहाँ फेर रही हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी ये पिकॉक वाली लेयर मूव हो, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ब्लू वाली ब्रश को ही मूव कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से मैन्युअली जो लेयर सेलेक्ट की होगी ये उसी लेयर को मूव करेगा। अब मैंने यहाँ से पिकॉक वाली लेयर सेलेक्ट कर दी है और मैं क्लिक ब्लू वाली पे कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पिकॉक वाली लेयर को ही मूव कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट किया है। और अगर आप इसको ऑटो सेलेक्टेड को ऑन रखते हैं और उसके बाद आप जिस पे क्लिक करेंगे ये उसी को मूव करेगा। मैंने इस पे क्लिक किया ये मूव कर रहा है, और इसको क्लिक किया तो ये मूव करेगा, और इस वाली इमेज पे क्लिक किया तो ये इसको मूव करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हमेशा ऑन रखे, जिससे आपको लेयर को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो अगर आप बहुत सारे लेयर पे वर्क कर रहे हैं। और तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेयर को ढूंढते रहना होगा कि आपको कौन सी लेयर को मूव करना है, कौन सी लेयर ऊपर रखनी है, कौन सी लेयर नीचे रखनी है, तो इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं लेयर को। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए हुए हैं और ओपेसिटी। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन हम लास्ट में करेंगे, पहले मैं आपको ये वाले ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन बताना चाहती हूँ। तो ओपेसिटी आप सब लोगों को पता है, तो ये क्या करती है ओपेसिटी, इसको आप इस तरीके से कम करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी ओपेसिटी को कम कर देगा। और फिल क्या करता है, फिल भी एक तरीके से, अगर आप इमेज पे इस फिल को डाउन करें, कम करेंगे, तो एक तरीके से ये ओपेसिटी का ही वर्क करेगा, बट फिल इसके लिए नहीं होता है। ये मैं आपको एक इसी लेयर पे एक न्यू लेयर लेकर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया और इसमें आउटलाइन फिल कर दी, और अब मुझे इसकी फिलिंग नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ बस ये आउटलाइन रहे। इसको आउटलाइन को ऑफ करने के लिए हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ इससे इसका फिल गायब हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस तरीके से इसको फिल को ऑफ कर देंगे, तो ये इस जगह पे इस तरीके से काम करेगा। आप चाहें तो फॉन्ट में भी फिलिंग को ऑफ करके और उसमें स्ट्रोक डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, फॉन्ट का जो फिलिंग है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और उस पर स्ट्रोक आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको फिलिंग को इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे काइंड दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम पे प्रेस किया और मैं यहाँ से सर्च करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये वाली लेयर आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम से सर्च किया इसमें, तो इस तरीके से नेम पे आ गई। और अगर हमने इमेज पे इफेक्ट यूज किया होता तो हम इफेक्ट पे सेलेक्ट करके और बेबल आ रहा है यहाँ पे, तो ये उसको सर्च कर देता। चाहे तो आप कलर से भी सर्च कर सकते हैं और नेम से भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पे डिफॉल्ट काइंड है और इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर देती हूँ इस तरीके से, और अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा, इसको हमने यहाँ से ऑन कर दिया तो ये उस इफेक्ट के साथ सर्च करता रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया, फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर, तो यहाँ पे कोई भी फिल्टर वाला लेयर नहीं है, तो इसने उसको क्या किया, शो नहीं किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा कोई लेयर पे नहीं है, तो इसने टेक्स्ट भी सेलेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपने इमेज को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिफॉल्ट आप काइंड पे ही रखें।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन और भी बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे, मैंने अपनी वीडियोस में कई सारी जगह आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में बताया है। तो ये क्या काम करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और इस तरीके से मैं इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ। और अब मैंने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरीज टाइप बनी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन बीच बीच में ऐड है, इसने डिवाइड किया हुआ है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं डार्क डार्कन से लेके डार्कर कलर तक, तो ये इफेक्ट क्या करते हैं, आपको डार्क रिजल्ट दिखाते हैं। आप अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क रिजल्ट दिखा रहा है, और ये जो लाइटन से लेके लाइटन कलर तक है ये आपको लाइट रिजल्ट दिखाएंगे इस तरीके से। और जो हमारे नीचे वाले ऑप्शंस हैं ये क्या करता है, डार्क रिजल्ट और ब्राइट दोनों, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों रिजल्ट दिखाता है आपको इस तरीके से। तो ये कैटेगरी वाइज है। और ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है ये आपको इमेज पे खुद से ही मैन्युअली ही आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर इमेज पे अलग अलग रिजल्ट ही शो करता है, सेम सेम रिजल्ट शो नहीं करता। तो उसको आपको क्या करना है, हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और आपको एरो वाला बटन प्रेस करते जाना है, तो ये अपने आप यहाँ पे रिजल्ट दिखाता जाएगा। आपको जैसा रिजल्ट चाहिए आप उस पे वहां पे रुक सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ से डिजॉल्व लेते हैं, और मैंने इसको डिजॉल्व पे लिया, तो आप इस पे देख सकते हैं कैसे पिक्सल पिक्सल के इस तरीके से पिक्सेल्स बना हुआ आ रहा है कॉर्नर पे। और इसी को हम डार्कन पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारी डार्क हो जाएगी। और देख रहे हैं अब ये कैसे ब्लेंड कर रहा है, हमें दोनों इमेज दिख रही है, पिकॉक वाली भी और ये फ्लावर वाली भी। तो इसने क्या किया, इसको इसके साथ ब्लेंड कर दिया है, कलर बर्न में इस तरीके से किया है। तो ये क्या करता है कि अलग अलग मोड है और ये सारी इमेज को इस तरीके से ब्लेंड करता है। तो इसके लिए मेरे पास एक और इमेज है, ये एक आर्ट है आप देख सकते हैं। और मुझे क्या करना है कि इस इमेज के साथ, पिकॉक वाली इमेज के साथ ये डिजाइन यहाँ पे ब्लेंड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करूंगी और आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसने क्या किया, यहाँ पे वो व्हाइट वाला जो एरिया था वो हट चुका है अपने आप, वो एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे लेयर ऑफ करके देखे तो यही यहाँ पे वाइट एरिया है, बस इसने क्या किया उस इमेज के साथ यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिया है। आप इसको जैसे भी करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, और आप जैसे इसके ऊपर भी लेकर आएंगे तो ये वहां वहां भी ब्लेंड करता जाएगा। आप जहां जहां लेकर जाएंगे ये उस तरीके से उसको इमेज को ब्लेंड कर देगा। और आप चाहते तो इसको इरेज भी कर सकते थे, मैं इसको इरेजर टूल की हेल्प से ये वाइट एरिया इस तरीके से भी इरेज कर सकती थी, बट यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंड करने से ये अपने आप गायब हो जाएगा। तो अब हम इस पे बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट दिखाता है। कलर बर्न में आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, और लाइटन पे क्या किया इसने, लाइट रिजल्ट दे रहा है। इसका जो ब्लैक वाला कलर था इसने क्या किया उसको गायब कर दिया और व्हाइट वाले एरिया को शो कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लाइट व्हाइट वाला एरिया लाइट रिजल्ट ही दिखाता है इसलिए। तो लाइट एंड स्क्रीन ये वाली जो पूरी कैटेगरी है उसमें आपको ये व्हाइट पे ही दिखेगा इस तरीके से। और अब हम ओवरले पे आते हैं, तो ओवरले में आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और डिफरेंस में इसने पूरा ही कलर चेंज कर दिया है इसका। डिवाइडेड में इसने ब्लैक को पूरा व्हाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन चेक करने होंगे मैन्युअली जाके कि आप कौन सी इमेज पे किसके साथ कौन सी इमेज ब्लेंड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो लास्ट हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ और आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड लेना है। आर्टबोर्ड के लिए आपको यहाँ पे चेक कर देना है तो ये एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या करता है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर हम इस शेप को इस तरीके से मूव करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अगर इसको यहाँ मूव किया तो ये क्या कर रहा है,
इस आर्टबोर्ड से बाहर चला जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आर्टबोर्ड में ही रहे। और अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो और आपका प्रोजेक्ट बार बार इस तरीके से बाहर जा रहा है और आप नहीं चाहते कि इस तरीके से हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बस इसको लॉक कर देना है। तो अब आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ उतने आर्टबोर्ड के एरिया में ही रहेगा। तो इस लेयर की हेल्प से आप उसको, इस ऑप्शन की हेल्प से आप उसको लॉक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।